आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बीसी सखी ऐप के बारे में कुछ अपडेट्स देंगे। जैसे कि मैंने कल वीडियो जो बनाया हुआ था आप लोगों को दिया था, उसमें बताया था कि बीसी सखी का जो ऐप है उसमें पैन कार्ड अपलोड के लिए आ रहा है ऑप्शन, तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ और विशेष जानकारियाँ दी जाएंगी। तो किसी का क्वेश्चन आया हुआ था उसी के बारे में, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन भी दिखाएंगे और उसका आंसर भी देंगे। सारा कुछ जानकारियाँ यहाँ पर डिटेल से मिलने वाली हैं, तो वीडियो पर थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनका कमेंट आया हुआ था कल, देख सकते हैं आप, 1 घंटे हुए थे जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि मैम पैन कार्ड नहीं है, अप्लाई अब करेंगे तो कब तक टाइम नहीं रहेगा, और कब तक टाइम रहेगा। उन्होंने पूछा हुआ है कि पैन कार्ड अपलोड करने के लिए ऐप में प्रश्न कुल मिलाकर ये है कि ऐप में जो अपडेट हुआ है उसमें पैन कार्ड का जो ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने के लिए, वह कब तक रहेगा वो ऑप्शन, तो इनका क्वेश्चन ये है। तो उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो पूरा शुरू से लास्ट तक देखें क्या जानकारियाँ दी जाएंगी यहाँ पर। पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिसके पास पैन कार्ड पहले से है वो तो अपलोड कर दिया, ठीक है उन्होंने अपलोड कर दिया, अब उनका ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि उनकी अब दोबारा से जब अपडेट होगा ऐप तो जो भी ऑप्शंस होंगे उनके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अब, ठीक है, अब जो है जितने लोग अभी जिन लोगों के पास अभी पैन कार्ड नहीं है वो लोग नया अप्लाई करेंगे। तो आपको बताएं तो पैन कार्ड अभी फ़िलहाल तो बनेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त चल रहा है लॉकडाउन में पैन कार्ड नहीं बनेगा और बनने में भी टाइम लगेगा। वैसे यहाँ तक से हम आपको बताएं तो 1 हफ्ते या 10 दिन जो लगते हों, 10 दिन में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन कारण तो वही है ना कि लॉकडाउन। फ़िलहाल कैसे भी करके आप बनवा लीजिएगा, जैसे भी बनवा पाएँ। तो बात यहाँ पर ये हुई कि कब तक वो ऑप्शन रहेगा। देखिए, जब तक आप उसमें, आपने अपडेट तो कर लिया ऐप को और अपडेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गया पैन कार्ड अपलोड करने का, ठीक है, पैन कार्ड आपके पास है नहीं, अब आप वेट करेंगे पैन कार्ड बनने का, तो यहाँ पर क्या होगा, वह ऑप्शन जाएगा नहीं। जब तक आप उसमें बीसी सखी के ऐप जो है उसमें जो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, जब तक अपलोड नहीं करेंगे, जो भी वहाँ पर मांग रहा है इसमें क्या कहते हैं पैन कार्ड का जो ऑप्शन आ रहा है, तो उसको जब तक आप भरेंगे नहीं, जब तक अपलोड नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं हटेगा वहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताएं, हटेगा एक कारण और है हटने का, जब आप जान लीजिए कि जब ऐप दोबारा अपडेट होगा, ठीक है, जब दोबारा से जब ऐप अपडेट होगा तो उसमें दूसरे ऑप्शन आएंगे और आपको भी पता चलेगा, आप भी आप ऐप को अपडेट कर देंगे तो जा कर के वो आपका अपलोड का ऑप्शन जो है पैन कार्ड के, हो सकता है उसके बाद चला जाए जब आप अपडेट करेंगे दोबारा से। तो फिलहाल अभी अपडेट मत कीजिएगा जब तक आपका अपलोड नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, लेकिन अपडेट करने के बाद दोबारा से, ये भी ध्यान से समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी नहीं बोल रहे हैं, मान लेते हैं दोबारा से जब अपडेट हो, क्योंकि ये चीज़ किसी को नहीं पता है कि कब ऐप अपडेट हो जाए, ठीक है, किसी को तारीख पता नहीं है, बस ऐसे अपडेट हो जाता है 10 दिन में, जब भी कोई नया होता है, नई जानकारियां लेनी रहती हैं तो आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो बस यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि पैन कार्ड जल्द से जल्द बनवा लें, जैसे भी बनवा पाएँ आप, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हमेशा चैनल से जुड़े रहा करिए ताकि आपको जो भी जानकारियां हैं वह मिल सकें। मैं केवल इसीलिए बनाया हुआ है कि आपको जल्द से जल्द जानकारियां मिल सकें और आपसे संबंधित जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिन लोगों के भी जानकारियाँ मिल सकें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो आप क्वेश्चन किए थे, बाकी और भी जो लोग कन्फ्यूज थे उनको भी समझ में आ गया होगा कि ऐप जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो ऑप्शन हटेगा नहीं, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ और कमेंट्स देख लेते हैं जो कि पिछली वीडियो में आए हुए थे, क्योंकि उनको भी कमेंट्स का आंसर देना ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो मैंने इनके कमेंट्स का आंसर दे दिया है वीडियो में और कमेंट में भी दे दिया था फिलहाल। और इन्होंने पूछा हुआ कि मैम ऐप ट्रेनिंग वालों के लिए है या सबके लिए है। बिल्कुल सबके लिए है, ऐसा थोड़ी है कि और ट्रेनिंग वालों के लिए, तो स्टार्टिंग से ऐप है, बिना ऐप के कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि मैम मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ इन्होंने बोला है डाउनलोड कर उनकी नहीं प्लीज़, क्या पूछा है आपने, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिलहाल। इन्होंने बोला हुआ है कि मैम काम कब तक शुरू होगा, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो देखिए, आपको पता है कोरोना चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इन्होंने बोला हुआ है कि पीलीभीत में
कब शायद इन्होंने ये शायद पूछना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग, क्योंकि जॉइनिंग इन्होंने लिखा हुआ है होगी या हुई, क्या पूछना चाहते हैं दोबारा से कमेंट कीजिए। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ कि पासबुक डिटेल मांग रहा था, हमने सारा कुछ सही भरा, लेकिन पासबुक अपलोड करने की जगह 20 तक ही का फ़ोटो अपलोड हो गया है, कैसे सही होगा? हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद फ़ोन नहीं उठ रहा है, कोई उपाय बताएं। तो देखिए, इसका फ़िलहाल तो कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग पता नहीं कैसे गलत कर देते हैं। यहाँ पर एक बार सोच समझ लिया करिए, बार बार वीडियो में हम बताते रहते हैं, आप सभी को जानकारियाँ भी देते रहते हैं, लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वीडियो को तो देखते नहीं हैं, और जो भी मन में आता है अपना कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल से अगर जुड़े रहते हैं आपको एक एक सही सही जानकारियाँ मिलती रहती है। ठीक है, अब इसका एक ही उपाय है, आप या तो अपने ब्लॉक में भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए, और बाकी इसका कोई और उपाय तो फ़िलहाल नहीं है, अगर होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। इन्होंने बोला हुआ है कि शाहजहाँपुर में पैसा कब आएगा, अच्छा इनको मैंने आंसर दे दिया है, मऊ ज़िले के 20 सखियों को पैसा कब आएगा, तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस ज़िले में इतनी तारीख को आ जाएगा पैसा। ठीक है, जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मैंने बताया हुआ था आपको, तो ट्रेनिंग्स वगैरह सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, समूह वगैरह बनाया है तो आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा आने के बाद ही ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन वगैरह ख़रीदनी है और 75,000 रुपये जुड़वाने हैं, इसी के बाद ही ज्वाइनिंग वगैरह कराई जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इन्होंने बोला हुआ, मैं ट्रेनिंग भेजी सकी कि 3 महीने पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो सर्टिफिकेट मिला है, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, ना कुछ सूचना है, कहीं सरकार पागल तो नहीं बना रही है? तो देखिए, मुझे नहीं पता है कि सरकार पागल बना रही है कि क्या बना रही है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और केवल आप ही ऐसा बोल रहे हैं जो भी जिसका भी ये कमेंट है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सारा कुछ प्रोसेस हो गया है, लेकिन अब हो सकता है आपका इसमें सिलेक्शन ही ना हुआ हो, है ना, ऐसा हो सकता है सिलेक्शन ही ना हुआ हो, तो इसीलिए आपका ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुआ होगा, नहीं बुलाया गया होगा। ट्रेनिंग हो चुका है, आपने बोला है ट्रेनिंग हो चुका है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वेट करिए। ठीक है, वेट करिए, क्या किया जा सकता है इसमें, या तो अपने ब्लॉक में संपर्क कीजिए, क्या बात है क्या नहीं बात है। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और इन्होंने बोला हुआ है कि मैम गोरखपुर में कब तक पैसा आएगा, तो बताया मैंने ना, जल्द ही आ जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाया है आपका तो आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि महाराजगंज में कब आएगा, और ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग हुआ, और मैं भी महाराजगंज से हूँ, अच्छा ठीक है, ट्रेनिंग हो गया है, अच्छा ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ है, नेक्स्ट देख लेते हैं कमेंट, ये मिर्ज़ापुर कब से भर्ती होगी, अच्छा तो अभी फ़िलहाल कोई जानकारियाँ नहीं आई हैं, जो डेट आई हुई है उसी के हिसाब से हम आपको बताए हैं। जय पारितोष, थैंक यू, ये बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि मैम क्या जौनपुर ज़िले में ट्रेनिंग हो गई है या नहीं, प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल, काफ़ी ब्लॉक्स में हो गई है, ठीक है, कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेनिंग्स हो गई हैं, बाकी और जगह की ट्रेनिंग्स इसीलिए केवल रुकी हुई हैं कोरोना की वजह से, थोड़ा सा वेट कीजिए। छोटा कि डिस्ट्रिक्ट कासगंज में अभी तक पैसा नहीं आया है, और जॉइनिंग लेटर के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो ठीक है पैसा नहीं आया है, पैसा आएगा उसी के बाद जॉइनिंग लेटर आपको मिलेगा, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर आपके कमेंट्स के आंसर दे दिए हैं, जानकारियाँ भी दे दी हैं, बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।